जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे भाई बढ़िया बढ़िया। मुकेशान जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेशान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ घूमने से अच्छा कि एक अपना दल बनाया जाए और पूरे बिहार के निषाद समाज का आस्था विश्वास उस दल में है और हम लोग पूरे बिहार में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आदरणीय प्रिय तेजस्वी यादव जी के सहयोग से आने वाले समय में हमारे उपेंद्र जी ने आप लोगों के बीच में कह दिया कि हमारी जो भी लड़ाई है उसमें हमारा सहयोग होगा, हम सब साथ में लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे बिहार में खास करके निषाद समाज का हक अधिकार आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई है, जो बंगाल या दिल्ली जैसे राज्य में मिल रहा है तो बिहार में भी मिले इसके लिए लड़ाई है। अभी जरूरी गिरा जो लोग हमसे वादा करके हमसे काम करा के हमें मजदूरी नहीं दिया उनको सबक सिखाने की। तो आने वाले समय में 2019 में हम लोग मजबूती से महागठबंधन परिवार पूरे बिहार में 40 से 40 लोकसभा सीट पर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, हर सीट को जीतेंगे। निश्चित तौर पे मैं आप लोगों के बीच में राजनीति में आए हुए सिर्फ 2 महीना हुआ लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में महागठबंधन के सामने में एनडीए अगर 2 अंक भी अगर पूरा कर ले तो 2019 के बाद मैं बिहार में राजनीति में छोड़ दूंगा। बिहार में 2 अंक भी वो पूरा नहीं कर सकते हैं निश्चित तौर पर, इतना मुझे भरोसा है। क्योंकि जब भी उपेंद्र जी वहां से छोड़ के आ गए उसी समय में मैंने निर्णय ले लिया कि हम आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ पे कुछ बचा नहीं है, निश्चित तौर पे हम लोग महागठबंधन का साथ देंगे, महागठबंधन के परिवार में आएंगे और निश्चित तौर पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अपने समाज और बिहार के गरीब जनता के लिए। क्योंकि मैं भी एक मछुआरा परिवार में जन्म लिया, मांस भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे, ये पूरे बिहार में मेरा ये कार्यक्रम चलेगा। उस समय तक क्योंकि हम मांस भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे, उसमें आप लोग को भी निमंत्रण अभी से दे रहे हैं। 7 तारीख को पटना जगह हम चयनित करके आप लोगों को बता देंगे और 7 तारीख से पूरे बिहार में हमारा दौरा चलेगा, ये कार्यक्रम चलेगा।